हेलो एवरीवन, क्लास 11 सीबीएसई एंड आरबीएसई, विषय हिंदी, पाठ संख्या सेकंड, वितान का सेकंड चैप्टर। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में आपको यहाँ तक समझा दिया गया था कि जो चेजारो कुई की खुदाई के साथ साथ उसकी चिनाई का काम भी करते हैं। थोड़ी सी खुदाई करके उस हिस्से को पक्का किया जाता है ताकि मिट्टी धसके नहीं। कहीं कहीं ईंटों की चिनाई होती है तो कहीं कहीं उन जगहों पर एक खास तरह की घास का रस्सा बनाकर खोदी गई जगह में डाला जाता है। इस तरह रस्से को गोलाई में घेरा बनाकर नीचे तक ले जाया जाता है। इस रस्से की वजह से चारों तरफ की मिट्टी जमी रहती है। कुछ जगहों पर यह घास भी नहीं मिलती, वहाँ पर लंबे लंबे लट्ठों को एक दूसरे से उलझाकर मिट्टी को ढाने से रोका जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक पढ़ा था। इससे आगे देखिए, पेज संख्या 17, पैराग्राफ नंबर 2। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। कुएं का मुंह ज़्यादा चौड़ा होता है और कुई का मुंह छोटा होता है। देखिए, कुई का मुंह छोटा रखने के 3 कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुई के जल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। देखिए, कुई का व्यास तो बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी उसमें थोड़ा है तो ज़्यादा फैल जाएगा और ज़्यादा फैलने के बाद उस पानी को निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बांधा होता है। इस तरह कम मात्रा में पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चरस अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांव के आसपास सड़कें निकली, ट्रक दौड़े हैं। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी है। कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। छोटे मुंह का ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ नई सड़कें निकली और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुओं के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी कई कुओं को ऊपर ढककर उन पर ताले भी लगाए जाते हैं। कुएं गहराई बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए, कुएं गहरी बने, ज़्यादा गहरी कुएं हो तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर
उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है, उसे ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुई से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन जाता है। किसके बिना? देखिए, ओड़ाक, ओड़ाक किसे कहते हैं? देखिए क्या बताया गया, ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुई से पानी निकालना कठिन होता है। ओड़ाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में झलक कर गिरता नहीं, वजन खींचने में इससे सुविधा रहती है। देखिए ओड़ाक किसे कहते हैं? गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर, गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद कर लगाई जाती है, उसे ओड़ाक कहते हैं। ठीक है, खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उसे पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुई, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के सामने में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उसमें पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा। इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी, वर्षा से तय हो गई। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर, ग्राम समाज पर अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधुली वेला में कुइयों पर आता है। गोधुली वेला जब कहा जाता है बेटे, जो शाम का समय होता है, जब गाय चरकर अपने घरों में जा रही होती हैं और उनके पैरों से जो धूल उड़ती है उसे क्या कहा जाता है? गोधुली वेला। ठीक है, तब मेला सा लग जाता है। गांव में सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। दो तीन घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती हैं, कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की डाणी में तो 120 कुइयाँ थी। जैसलमेर ज़िले के एक गांव में, देखिए एक गांव की एक डाणी में कितनी कुइयाँ? 120। लोग इस क्षेत्र को 6 गुणा 20 के नाम से जानते हैं। 6 गुणा 20 के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर में कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं
और इसलिए उन गाँव के नाम नाम भी पार परी हैं, जैसे जानेर आलोपार और सिरगू आलोपार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी भीतर अलग अलग नाम हैं। कहीं है चारोली है तो कहीं धाधड़ो धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रो बालियों के नाम से भी जानी जाती हैं, तो कहीं इस पट्टी के नाम केवल खड़ी भी हैं। ठीक है, देखिए कुई राजस्थान के खड़िया पत्थर वाले क्षेत्र में लगभग हर घर में मिल जाती है, जबकि निजी संपत्ति होते हुए भी वह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इस पर ग्राम पंचायतों का पूरा नियंत्रण रहता है। इन कुइयों पर किसी नई कुई के लिए स्वीकृति कम दी जाती है। इसका कारण है भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होना। जितनी अधिक कुइयाँ होंगी उतनी ही नमी का बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, उतनी ही नमी का बंटवारा हो जाता है। इस कारण देखिए कुई राजस्थान के खड़िया पत्थर वाले क्षेत्र में लगभग, जैसे कि आपको बताया, हर घर में कुई मिलती है, लेकिन वो निजी संपत्ति लोगों की होते हुए भी वह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इस पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुई के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है। इसका कारण है भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होना। जितनी अधिक कुई होगी उतना ही नमी का बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, रेत के नीचे सब जगह किस लिए कहा गया कि कुइयों का फिर बंटवारा हो जाएगा? गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खेड़रो की ढाणी में तो कितनी कुइयां बताई बेटा? 120 कुइयां। लोग इस क्षेत्र को 6 गुना 20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? पार। ठीक है, कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं, इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं। जैसे जानेर आलोपार, सिरगू आलोपार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं है चारोली है तो कहीं धाधड़ो धड़धड़ो, कहीं बिट्टू रो बालियों के नाम से जानी जाती हैं, तो कहीं इस पट्टी के नाम केवल खड़ी भी है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है ये कोई। ठीक है, देखिए राजस्थान में सब जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पट्टी चूरू बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के गाँव में लगभग हर घर में एक कुई है। ठीक है बेटा, अब चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। देखिए राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? अब कुई राजस्थान में रेत की नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए कुई का निर्माण किया जाता है। 4-5 हाथ के व्यास की जगह को 30-60 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है। खुदाई की जगह को साथ साथ ईंट चूने के द्वारा पक्का कर दिया जाता है। नीचे गहराई में पानी के लिए धार लगा दी जाती है। इसी तंग गहरी जगह को ही कुई कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बता दिया कि राजस्थान में सब जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। जहाँ जहाँ हैं वो कौन कौन सी जगह? पट्टी, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में। यही कारण है कि इस क्षेत्र के गांवों में लगभग हर घर में एक कुई है। ओके बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझा दूंगी, फिर पीडीएफ सेंड कर दूंगी। जो भी वीडियो जिस दिन आती है उस दिन आप ध्यान से सुनो।
समझो, अपनी बुक से चैप्टर को रीड करो, कोई भी डाउट हो बेटा आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करो। ओके, थैंक यू।